हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्ले से एक ढोकड़ा मॉडल बनाऊंगा। इसके लिए पहले मैं एक ड्राइंग रेडी कर रहा हूं। हाँ, मैं एक घोड़ा बनाऊंगा तो उसके लिए ड्राइंग रेडी है। अभी मैं जीआई का एक पतला सा वायर लिया, इसको मैं आसानी से बेंड कर सकता हूं। जीआई वायर से मैं घोड़े का एक स्ट्रक्चर रेडी कर लूंगा। पहले का जीआई वायर से और भी पतला एक वायर लेके मैं इसको अच्छी तरह से बांध लिया। और अभी मैं लिया जूट थ्रेड और वेस्ट पेपर। आप यहाँ फॉइल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बनाऊंगा बहुत चीप रेट में। एक्चुअली ढोकरा जो होता है वो बहुत महंगा होता है, और मैं पहले पेपर को ये जो वायर लिया था इसके ऊपर रैप कर किया, फिर इसके बाद इसको ये मैं जो जूट थ्रेड लिया इसे मैं थोड़ा कस के बांधूंगा। मैं अभी बताया कि ओरिजिनल ढोकरा थोड़ा महंगा होता है, लेकिन जो आर्टिस्ट ये ढोकरा बनाते हैं वो एक हार्ड प्रोसेस से होके जाता है। तो आप लोग जब भी ये ढोकरा का चीज़ खरीदिएगा तब ये आर्टिस्ट लोगों को एक रिस्पेक्ट ज़रूर दीजिएगा। ढोकरा का हिस्ट्री 4000 साल पुराना है। कहा जाता है सिंधु सभ्यता के टाइम पे मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल का एक स्टैचू मिला, वही सबसे पुराना ढोकरा आर्ट है। दुनिया में बहुत सारे देश ये ढोकरा आर्ट पे काम किया, लेकिन इंडिया में पहला काम हुआ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और आखिर में आया बंगाल में। बात करते करते मेरा ये घोड़े का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अभी मैं फेविक्रिल का ये क्ले रेडी कर लूँगा। हाथ में मैं पहले थोड़ा रिफाइन ऑयल लगा लिया। आप चाहे पेट्रोलियम जेली भी लगा सकते हैं, टेलकम पाउडर भी लगा सकते हैं। अभी क्ले को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। मेरा क्ले रेडी हो गया। अभी मैं इसे थोड़ा सा लेके ये जो मैं स्ट्रक्चर बनाया इसके ऊपर से मैं रगड़ दूंगा। इससे क्या होगा, जब मैं इसको क्ले से मोल्ड करूंगा तो ये ज़्यादा अच्छा पकड़ में आएगा। जो क्ले मैं यूज़ किया वो 30 से 40 मिनट के अंदर जम के हार्ड हो जाता है, तो इसलिए मैं जब क्ले मिक्स करूँगा तो थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करूँगा और थोड़ा थोड़ा करके इसको काम पे लगाऊँगा, फिर उसके बाद और भी थोड़ा रेडी करूँगा। पहले का एक अहम काम मैं करने को भूल गया, वो ये है कि ये जो घोड़ा है इसका जो कान बनाएंगे उसको सबसे पहले रेडी कर लेने से अच्छा होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे जम के ये हार्ड हो जाएगा, तो उसके बाद ये जब हम लगाएंगे तो बहुत सुविधा होगा। और भी एक अहम काम अभी मैं कर लूँगा, वो ये है कि घोड़े के लिए, घोड़े को सजाने के लिए दो बेल्ट बना लेंगे अभी। और ये तो घोड़ा सामने आ गया, ये अभी देखिए मैं थोड़ा दो बेल्ट बनाऊंगा घोड़ा को, जो बाद में जब मैं ऑर्नामेंट्स जो पहनाऊंगा तब ये काम पे आएगा। इस थोड़ा सूख जाएगा तो इसको काम करने में सुविधा होता है। पहले मैं घोड़े का हाफ पोर्शन का काम कर लिया, और अभी मैं, मेरे पास उतना खास औजार नहीं है इसलिए ये जो ब्रश के हैंडल से ही मैं काम चला रहा हूँ।
अभी मैं घोड़े के सर पे दो होल बना के रखूँगा, जब कान लगाएंगे तो ये मुझे सुविधा होगा। मैं अभी घोड़े को थोड़ा ऑर्नामेंट्स पहनाना स्टार्ट किया। ये क्ले जब तक थोड़ा चिपचिपा रहेगा तब ये अच्छी तरह से ये ऊपर में बैठेगा। अगर क्ले सूख गया तो उसके बाद जब हम ये लगाएंगे ऑर्नामेंट्स जो भी कुछ लगाएंगे तो वो थोड़ा बैठेगा, ठीक से बैठेगा नहीं, तो उसके लिए थोड़ा कुछ गाम देके हम लगाएंगे। यहाँ जो होल मैं जो कर रहा हूँ इसमें घोड़े का जो लगाम होता है वो यहाँ सेट कर दूँगा। ओरिजिनल डोकरा में जो वायर की तरह जो लुक्स आता है वही मैं क्ले से थोड़ा कोशिश किया। मैं अभी आँख बनाऊँगा, क्ले को थोड़ा राउंड करके घुमा के ये मैं आँख बना लूँगा। अभी क्ले जम के हार्ड हो गया इसलिए थोड़ा गाम दे के फिर क्ले को बिठाना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं चिपकेगा यहाँ। मेरा ये डोकरा का घोड़ा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। मैं इसका कान लगा दिया, उसके बाद इसका पूंछ लगा देंगे। पूंछ भी लगाना हो गया, अभी सूख जाने के बाद मैं इसको कलर भरना स्टार्ट करेंगे। अभी मैं सिंथेटिक ब्लैक से कलर भर दिया और सूख जाने के बाद मैं गोल्डन कलर से इसको कलर कर देंगे, क्योंकि ये मेटल के तरह देखना चाहिए। फ्रेंड्स, आज मैं क्ले से जो डोकरा मॉडल बनाया ये आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
इतने देर तक मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।